फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। प्रिवेंशन हेल्थ एजुकेशन और द हेल्थ एजुकेशन सीरीज़ में अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जो सजेशन है सजेशन दीजिए। आपका सपोर्ट, आपसे मिलने वाला मोटिवेशन और आपके क्रिटिकल कमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन इनिशिएटिव्स है। एंड दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और बीमारी के बारे में, कोई भी बीमारी यदि है, हेल्थ संबंधित इशू है, तो आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों के साथ भी उसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि जब आप किसी भी बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके कॉज को समझ लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी बीमारी 50% ठीक हो गई है। क्योंकि सबसे बुरी बात यह है हमारी सोसाइटी में कि हम अपनी हेल्थ के बारे में ना ही तो जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। उसका कारण ये होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ हमारे साथ जुड़ जाती हैं और वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि डायबिटीज़ में सिर्फ मीठा खाने से ही प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ दूसरी और भी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि यदि आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको शुगर की बीमारी है, मधुमेह है, तो आप खाली ये ना सोचें कि वो बीमारी मीठा खाने से हुई है और मीठा बंद करने से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये केवल मिथ है। डायबिटीज़ के होने के पीछे मीठा खाने का जो रीज़न है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो डायबिटीज़ होने के पीछे कुछ और भी रीज़न है। सबसे पहली बात है कि एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। इंसुलिन हार्मोन्स का काम है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री कराने में वो मदद करता है। यानी कि इंसुलिन के कम सिक्रीट होने से, या इंसुलिन का सिक्रीशन कई बार पूरा देखा जाता है लेकिन वो कम प्रभावी होता है, यानी उसकी फंक्शनिंग पुअर होती है। उसके बाद आती है ओबेसिटी, फिर फैटी लिवर बहुत कॉमन रीज़न है। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता है, उसके पीछे फैटी लिवर एक रीज़न हो सकता है। इंसुलिन एक फैक्टर है, लेकिन इंसुलिन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं आपको उनको भी समझना होगा। वो आपका स्ट्रेस है, वो आपका फूड है, वो आपका स्लीप है, वो आपका एक्सरसाइज का ना करना है, कंटिन्यूसली एक पॉस्चर में बने रहना है और कंटिन्यूसली डिवाइस के सामने एक गलत पॉस्चर में स्ट्रेस के साथ काम करते रहना है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपके डायबिटीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं रहने देते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि शुगर खाने से किसी को डायबिटीज़ नहीं होता है। बट आपको जो वाइट शुगर जो लेते हैं, जो चीनी है, उसका यूज़ किसी भी फॉर्म में, यदि आप डायबिटिक हैं तो भी, और यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, यानी वाइट शुगर इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन ऑल द कंडीशंस, उससे डायबिटीज़ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर आते हैं। ये एक क्लिनिकल रिसर्च ने प्रूव किया है। लेकिन डायबिटीज़ के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो दिमागी तनाव और एक्सरसाइज का ना करना और कंटिन्यूसली ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा फैट, ज़्यादा स्वीट्स का इंटेक, ये रेस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ स्टाइल डिसीज़ विच इज़ कम्प्लीटली कॉम्प्लिकेटेड बाय द स्ट्रेस एंड द फूड हैबिट्स। तो आप उस पर फोकस करिए। यदि शुगर के इंटेक से ही डायबिटीज़ होती है, तो हमारी सोसाइटी में देर आर द 3-4 कम्युनिटीज़ जो रेगुलर बेसिस शुगर का इंटेक करते हैं और एक हैवी अमाउंट में इंटेक करते हैं, तो उनको शुगर नहीं होता। तो शुगर के पीछे किसी का मोटा पतला होना या उसके डायरेक्टली फूड का होना, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। बट यस, ये फैक्टर और ये फूड आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो यदि आपको डायबिटीज़ है, तो आप क्लियरली ये बात समझ लें कि आपको अपने फूड को करेक्ट करना होगा। और यदि आप फूड को करेक्ट करें और आपका डायबिटीज़ यदि स्टेज फर्स्ट में है, दैट मीन्स यदि ब्लड शुगर फास्टिंग आपका 120 और 80 के बीच में है और फास्टिंग के बाद वाला आपका शुगर लेवल 120 टू 180 के बीच में है और आपका HbA1c 6.5 से कम है, तो आप बिना किसी दवाई के, विद द एक्सरसाइज एंड द राइट फूड एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट विद द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आप बिना किसी दवाई के डायबिटीज़ को
कंट्रोल कर सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यदि आप फर्स्ट स्टेज में हैं और आपको डायबिटीज़ है तो आपको किसी दवाई की, किसी मेडिसिन मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है किसी भी थेरेपी से। आपको आवश्यकता है केवल लाइफस्टाइल चेंज की, अच्छी नींद लेने की, एक्सरसाइज करने की, फूड में फाइबर और नेचुरल फूड लेने की। जितना आप फाइबर लेंगे, जितना आप नेचुरल फूड लेंगे, जितना आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएंगे, जितना आप मल्टीग्रेन दलिया या खिचड़ी दलिया खाएंगे और जितना आप वॉकिंग करेंगे, आप कुछ और ना कर पाएँ तो कम से कम 30-40 मिनट्स वॉकिंग इन अ डेज इज़ ए वेरी हेल्पफुल इन अ डायबिटीज़। सो यही प्रिवेंशन है और यही मैनेजमेंट है। आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें इसको, अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड द शेयर विद अ फ्रेंड। यदि आप कोई कंसल्टेशन हमसे चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।